अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ सैंडविच चटनी और सैंडविच मसाले की रेसिपी शेयर करूंगी, जो मुंबई सैंडविचेस की स्पेशलिटी है। तो चलिए सबसे पहले हम चटनी के साथ स्टार्ट करते हैं। चटनी के लिए हम लेंगे 1 बिग बोल ऑफ कोरिएंडर लीव्स। कोरिएंडर लीव्स जो है हम स्टेम के साथ ही लेंगे। 5 ग्रीन चिलीज़। ये ग्रीन चिली स्पाइसी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे ये चटनी थोड़ी स्पाइसी होती है। 2 क्लव्स ऑफ गार्लिक, गार्लिक हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है इसमें। 1 पीस ऑफ जिंजर, और ये 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड है मेरे पास। आपके पास ब्रेड के कॉर्नर्स अगर हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड सॉल्ट टू टेस्ट। तो अब ये सारी चीज़ें हम ग्राइंडर जार में ऐड कर लेंगे। ये कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिलीज, गार्लिक, जिंजर, और ये ब्रेड के देखिए मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, और जस्ट 1/4 कप ऑफ वाटर हम ऐड करेंगे इसमें। हमें ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करना है क्योंकि चटनी थोड़ी थिक होती है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए ये चटनी हमारी रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह से होती है, ज़्यादा आप इसको पतला ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको सैंडविच मसाले के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये 1 टीस्पून मेरे पास चाट मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये होममेड गरम मसाला है, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून ये धनिया और जीरे का पाउडर है मेरे पास। धनिया ज़ीरा मैंने ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना लिया था, और 1/2 टीस्पून ऑफ ब्लैक सॉल्ट है। अब मसाला बनाने के लिए बस हमें सारी चीज़ें मिक्स कर देनी है और एक जार में स्टोर करके रख देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सैंडविच चटनी और सैंडविच मसाला बनकर रेडी है। तो नेक्स्ट टाइम जब सैंडविचेस बनाएं तो इस तरह से चटनी और मसाला बनाकर उसमें यूज़ करें। आपके सैंडविचेस इंशाल्लाह बहुत ही लाजवाब बनेंगे। See you next time with another recipe. Stay tuned, stay blessed.